मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है और वो सब्जेक्ट अभी उन्होंने माफ़ी मांग ली है और वो सब्जेक्ट अभी ख़त्म हो गया है और फिल्म के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं। नहीं, हमने कोई ऐसा कोई सपोर्ट मांगा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आज तक किसी का सपोर्ट नहीं मांगा है तो उसकी फिल्म क्यों सपोर्ट मांगेगी। तो हम हमारी स्ट्रेंथ पे चले हैं, हमको किसी के सपोर्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो साथ में आए वो साथ में जुड़ता जाए। आई एम सॉरी, किससे? नहीं, ऐसा कोई अभी तो प्लान नहीं है। देखो, उनके बारे में है और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी हम लोगों को देना चाहते हैं, तो वो देखें ना देखें, लेकिन हमको लोगों को दिखाना है। मैं तो इसके अल्फाज में बयान नहीं कर सकता और मतलब बहुत लंबे वक्त से इसका पिक्चर का इंतज़ार था मेरे को। टाइम इज़ कम नाउ एंड ऑल। बस एक्साइटमेंट मेरी मतलब अनलिमिटेड है। इवेंचुअली फाइनली पिक्चर आज रिलीज हो रही है, मेरी खुशी का मतलब कोई एहसास नहीं मुझे। जी आप थोड़ा तेज बोलेंगे समझ जाओ। क्या दिखती है जब पिक्चर को रोका जाता है एक एक्टर के मन में? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि नम की फाइनली पिक्चर रिलीज हो रही है, अच्छे वक्त पर रिलीज हो रही है और आज ऐसे मौके पर जब हर तरफ जीत का माहौल है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसे मैं करेक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो, जो कहते हैं ना ये चाय वाला देश का पीएम कभी नहीं बनेगा, वो कैरेक्टर मैंने निभाया। डबल विन हो गया और यू नो थंपिंग विक्ट्री है मोदी जी के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी जी, आप फिर से आए हैं एंड नेक्स्ट ईयर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रेन एंड यस, डबल खुशी है हमारे लिए कि हमारी पिक्चर भी फाइनली रिलीज हो गई है, टेंशन दूर, सब खत्म और प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फिल्म एंड हमने दिल से बनाई है एंड आई होप एवरीवन लव्स इट। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। ओके, मे बी द टाइम वॉज नॉट राइट एट दैट टाइम एंड अभी आना था, ये लिखा हुआ था, यू नो करो करो कोशिश करो, नहीं होने वाली, तकलीफें आई हमने झेल लिया लेकिन एवरीथिंग वेंट ऑफ स्मूथली। फिर अभी हम यू नो यू सेट बैक एंड सी के मे बी दिस वॉज द राइट टाइम। उनकी जीत हमारी जीत सेम जीत है। टू ईच इज ओन, ओके, आई मीन आई हैव नथिंग टू से, यस इंडस्ट्री आनी चाहिए थी साथ में, लेकिन चलो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, दे विल कम बैक अगेन। अब आगे रेन करना है, आगे देखते रहें क्या होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस, अभी ये जिसने वोट लगा दिया मैं देखूंगा कि पिक्चर देखी कि नहीं देखी, बस दैट्स इट, वेटिंग, लेट्स सी क्या वर्डिक्ट है। थैंक यू। ट्वीट पर हाँ, देखो पहले भी सपोर्ट नहीं था, ओके अभी नहीं है, मे बी दिल वॉच द फिल्म एंड सडनली सपोर्ट आ जाएगा अपने आप। यू नो लाइक आई एम टेलिंग यू, मे बी दे डोंट लाइक्स अ फ्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई आगे नहीं आ रहे कि वो भी ट्रोल हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई सपोर्ट नहीं था। एंड आई थिंक व्हेन द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स कि ये पिक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, आके देखो, दिल से बनाइए पिक्चर, तो मे बी एवरीबॉडी विल चेंज देयर माइंड।
the reactions are fantastic. Wherever we were shown, they have loved it and बोल रहे थे क्या हो गया था, क्यों बैन कर रहे थे, कुछ बैन करने जैसा है नहीं. So I think hoping that will work in our favor. Thank you. No idea. मैंने इतना कुछ इसमें ज़्यादा involved मैंने देखा नहीं था. But I think जो लोग बोल रहे हैं, मैं definitely एक चीज़ समझती हूँ, हर किसी का अपना एक opinion होता है हर चीज़ के लिए. मैंने वो चीज़ देखी थी, but for me it's not about, he never commented on any women. This is what I can say. He was, it was just a, you know, एक चीज़ थी जिनको उन्होंने comment करी. ऐसे misunderstood होते हैं लोग. Exactly, मैं भी ऐसे बहुत misunderstood हुई हूँ. So that's okay. That's absolutely fine. I want to say ki I think Vivek has always been misunderstood completely, and the reply which he did on that meme was not created by him. The meme was created by somebody else and it was completely misunderstood, but I think he's again come out and deleted it and given his brief again on the Twitter and also answered everything. So I don't think now at this on this occasion we should blow it out of proportion, so we should let it be there. मैं नुकसान और फायदे के लिए फिल्म नहीं बनाता हूँ. मैं सिर्फ ये सोच के बनाता हूँ कि ये फिल्म बने, कोई भी फिल्म बने उसको इंस्पायर हो, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे सरबजीत में हो, या मैरी कॉम में हो, या भूमि में हो, या ये फिल्म में हो. आई थिंक एवरी थिंग शुड बी फॉर द इंस्पिरेशन एंड फॉर द ऑडियंस. थैंक यू. शक्ति जी, मोदी इज विक्ट्री टुडे. आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड द फिल्म इज रिलीजिंग द राइट टाइम. And let me tell you very honestly and very with full heart of mine that Anand Pandit standing beside me, who is the producer of the film, is as lucky as anybody else. His all his films have been success, and similarly this film on Narendra Modi ji is also going to rock at the box office. It has been really made very well with lot of hard work by his director, by Vivek and the entire team of Narendra Modi ji. The days have come again. Modi ji has won the elections with a massive, massive landslide victory, and I'm sure the film also will be as a big box office hit the way we have won the elections today. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. कि आज इट्स अ वेरी बिग डे कि आज हम ये फिल्म देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी और मोदी जी ने बता दिया कि क्या ताकत है उनमें. सो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू मोदी जी एंड ऑल द बेस्ट टू विवेक. विवेक इज़ अ क्लोज फ्रेंड. सुरेश ओबेरॉय इज़ वन ईयर जूनियर टू मी फ्रॉम द फिल्म इंस्टीट्यूट एंड ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. सो आई विश सुरेश ऑल द बेस्ट एंड विवेक इज़ अमेजिंग एक्टर. आई एम श्योर विल बी अमेजिंग and he's going to surprise everyone with his brilliant performance as Mr. Narendra Modi. I wish everyone all the best. सर उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं. मैं तो अभी बॉम्बे में आया हूँ. But I know Vivek is a lovely boy. Amazing family, and I know the family before Vivek was born, because Suresh Oberoi was 1 year junior to me. So I know the family is great, they won't do anything wrong. And Vivek is a very decent man. He's probably studied in American schools, college, so he won't do anything which is going to hurt people. And I'm sure about that. Rest mujhe kuch malum. But I'm here to tell people that how great an actor Vivek is, and I wish everyone all the best. Thank you. Thank you. अरे सर मैं कहा राजनीति ज्वाइन करूँगा सर. हाँ हो सकता है मेरी धर्म पत्नी जो मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है वो अभी गोवा में वो पार्टी कर रही है क्योंकि मोदी जी जीते हैं. मुझे लग रहा है कि कहीं वो पॉलिटिशियन ना बन जाए क्योंकि स्मृति ने जो हालत की है. Smriti Irani, I'm very proud of her because I know her so well. जो उसने किया है that is the biggest history today. Good evening sir. Good evening. Sir ये बताइए आज फिल्म फाइनली कल रिलीज होगी और आज डबल विन देखा जाए तो फिल्म के लिए बन चुके हैं बिकॉज इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं. तो जो फिल्म की जर्नी रही है स्ट्रगलिंग जर्नी और आप विवेक
विवेक बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, आनंद भाई भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो दोनों ने मिलके एक बहुत मेहनत से एक चीज़ को तैयार किया है और हम सब प्रे कर रहे हैं कि ये ब्लॉकबस्टर हो। और जैसे मोदी जी आज थंपिंग विक्ट्री से जीते हैं, ये हमारे मित्र भी इसी तरह से इस फिल्म में जीते, डबल डबल टोटल धमाल। ओके हाँ जब बोलूँ अभी आज अच्छा दिन है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आज अच्छा दिन है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब बातों पे धूल डालो, आगे बढ़ो और पिक्चर को सुपर हिट करो, सेम एक ही मकसद है हम सबका। बिल्कुल थैंक यू सर। आज जिस तरह से मोदी जी की सुनामी जिस तरह से हुई है और जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, उसी तरह ये पीएम मोदी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगी और भारत का हर नागरिक इस फिल्म को देखना चाहता है और इससे बढ़िया मुहूर्त क्या हो सकता है कि आज ही चुनाव के नतीजे आए हैं और आज फिल्म प्रदर्शित होने जा रही है और बहुत लोगों को भाएगी और लोगों को बहुत पसंद आएगी, अद्भुत फिल्म। मैं तो कहता हूँ जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, जो समय आज आया है तो फिल्म भी अपना एक भाग्य लेके आई है और जो आज प्रदर्शित होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया मुहूर्त और इससे बढ़िया डे नहीं होता। थैंक यू। आज एक्चुअली कई कई बधाइयां हैं पूरे देशवासियों को, मैं आपका अपना कैलाश खेर सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, आज सचमुच की फिल्म भी रिलीज़ हो गई है, परमात्मा जैसे अवतरित हुए हों और ईश्वर ने साक्षात वरदान दिया हो कि ऐ मेरे गणों, इतने दिनों से लगे हुए थे महायज्ञ करने, आज यज्ञ का संपन्न पूर्ति हुई है और इस यज्ञ को पूर्ण आहुति देने के लिए परमात्मा का अवतरण हुआ है और इसीलिए आज भारतीयों ने भारत की विजय पताका फहराई है और आप सबको पुनः बारंबार बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भारत की ओर से भारतवासियों के लिए, आप सबको बारंबार शुभकामनाएं, बधाई और नमन। त्योहार देश का है भारत का त्योहार, त्योहार देश का दिल की गहराई से आभार देश का, दिल की गहराई से आभार देश का, गुणगान क्या करूं मैं जनता विशेष का, धन्यवाद शुक्रिया आभार देश का, है भारत का त्योहार त्योहार देश का, दिल की गहराई से आभार देश का, दिल की गहराई से पूरे देश का आभार है जिसलिए भारत को, भारत भूमि को और भारत की राष्ट्रीयता को आप लोगों ने पूरे विश्व में चमका दिया है ये बताकर कि नहीं हम अपनी संस्कृति में बिलीव करते हैं। नमस्कार। आई थिंक इट्स एन इवनिंग, आई थिंक इट्स एन इवनिंग फॉर सेलिब्रेशन, अ न्यू बिगिनिंग, नया मोड, India is turning into a new India and looking forward to more changes, positivity, and this is an evening for celebration, isn't it? Thank you. I would just like
like to say कि I'm very excited to see the film क्योंकि already मेरी family ने दिल्ली trial में देखी and they were 8 of them and you know they are just audience, उनका industry से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई picture and उनका बहुत ही super hit reaction आया, so I'm very excited and it's my friend Sandeep film, so I want to wish him all the best to Sandeep and Umang and to the entire team and of course Modi ji has won, so it's a great victory for the entire India. एक्चुअली यू नो स्ट्रगल जिंदगी का पार्ट है और हर फिल्म की एक जर्नी होती है और हमें पता था कि क्योंकि अभी रिलीज़ नहीं हो रही बिकॉज इलेक्शंस चल रहे हैं एंड इलेक्शन कमीशन हैज़ स्टॉप्ड इट बिकॉज वो करेक्ट मौका नहीं था बिकॉज पब्लिसिटी कैंपेन लगती, बट आई थिंक अभी फिल्म को अपना ड्यू डेफिनेटली मिल जाएगा और पूरी कहानी है मोदी जी की कैसे एक चाय वाला से वो कहाँ तक पहुँचे, तो बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी और हम सबको उस जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और एक आम नागरिक की जर्नी है भारत के एंड विवेक ने आई एम श्योर बहुत खूबी से निभाया उनका किरदार। आई डोंट थिंक आई लाइक टू कमेंट ऑन दैट, आई थिंक बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी ऑलरेडी हो चुकी है, सो आई डोंट थिंक माई ओपिनियन वुड रियली मैटर। I'm very proud this film is going to release tomorrow and the result positive, so I'm so happy and I wish everybody all the best. Remember what kind of basket there are bahut kam samay mein ban gayi thi release karne ka struggling period tha, as an actor what to say but नहीं नहीं कोई सपोर्ट नहीं, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले का सपोर्ट बहुत है, शायद इस वजह से करेक्ट टाइम पे फिल्म रिलीज हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी। ऑलरेडी सो मेनी पीपल आर टॉकिंग, मेरा बात करना ठीक नहीं रहेगा, ऑनेस्टली मुझे आई वाज नॉट इन टाउन एंड यहाँ पे कोई फोन नहीं चला था, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम। नहीं कहते इसे सुनामी कहते हैं, और यकीन मानिए ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा खुशी का क्षण है कि हमें एक स्थायी मजबूत सक्षम निडर और काम करने वाली सरकार आज मिली। पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया कि हम एक सक्षम नेतृत्व को चुनने में कितने काबिल हैं, तो आज ये बहुमत चुनाव का मिला है और कल इस फिल्म का बहुमत जो है वो बॉक्स ऑफिस में मिलेगा। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब आप देखिए कल जब ये आएगी तो लोगों में इतना उल्लास होगा इस फिल्म को देखने के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जानने का, उस व्यक्ति के बारे में देखने का जो आज इस कदर जनता का प्यार लेके जो हमारे बीच में आज कितना बड़ा प्यार, कितना बड़ा सम्मान उनको मिला, कितना बड़ा समर्थन मिला, तो मुझे लगता है अब जब कल ये फिल्म आ रही है तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दिस फिल्म। मैं तो लोगों से नहीं, मैं उन लोगों से जो बड़ा विरोध कर रहे थे, ये प्रोड्यूसर खड़ा हुआ है जो संदीप इस फिल्म का, जो विरोध कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ अब क्या कर लोगे यार, देख लो आ गई मोदी सरकार। नहीं ये पूरी वो टेलीविजन इंडस्ट्री से है मैं, और वहाँ से वो गई और उन्होंने इतना बड़ा मौका माना, और ये जीत सिर्फ जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है, ये सिंबल है ये कि आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपका नाम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन जनता सर्वोपरि है, और जनता ने ये करके दिखा दिया कि नाम से इस दुनिया में आपको नहीं चुना जा सकता, सिर्फ काम से ही चुना जा सकता। ओके लेट मी इंट्रोड्यूस, ही इज प्लेइंग एल के अडवाणी इन द फिल्म। What he's playing is a mystery. That we won't say. That is Akshay Dhartanjo, our three actors. और बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा समय है इस फिल्म के आने का, सो ये आज का दिन जो है वो सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक उत्सव है,
सच्चाई का और एक मेहनत कश इंसान के एक अपने आदमी की ऊंचाई की परम सीमा तक पहुंचने का. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच भाई. सबसे पहले तो मैं मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि फाइनली वो वापस से पीएम बन गए और फाइनली हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. बड़े ही जद्दोजहद के बाद ये फिल्म आज रिलीज़ हो रही है. इस बात की हम पूरी टीम को बहुत खुशी है. और सबसे अच्छी बात है कि मुझे जो रोल मिला है वो मोदी जी के सबसे करीबी रोल है. और काफ़ी जानने को मिला मुझे मोदी जी के बारे में, बिकॉज मैं मोदी जी का राइट हैंड प्ले कर रहा हूँ इस पूरी फिल्म में. तो मैंने जो उनका पर्सनल नेचर जाना है वो बहुत कम लोग जानते हैं. और बहुत रिजिलियंट उनका नेचर रहा है कि हर बार हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना, वो उनका नेचर रहा है. और वही आज इलेक्शंस में हमने देखा. और ये हमारे विलेन खड़े हैं सामने मोदी जी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. सो ओवर टू द विलेन. अगर मैं बोलूँगा कि बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मोदी जी जीत गए तो वो झूठ होएगा, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि कि ये आदमी कुछ बोल रहा है. लेकिन बट इट्स अ ग्रेट ओकेजन वेयर दिस मूवी इज रिलीजिंग फाइनली एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीबॉडी अ लॉट ऑफ लक, बिकॉज वी ऑल नो द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी ऑल गॉन थ्रू फॉर दिस रिलीज. एंड इट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट टुडे फॉर एवरीबॉडी बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस एंड मिस्टर मोदी कमिंग बैक इन टू पावर. So maybe we can always expect somebody to make another movie, which is where it is going to be pitted again Mr. Modi and the villains and how he comes out as a hero. Thank you so much and wish you all the luck. बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म कल रिलीज हो रही है और आज नरेंद्र भाई की इतनी बड़ी जीत हुई है. खुश हैं कि जितने नरेंद्र भाई के फैंस हैं, मुझे लगता है कि वो इस देश के सबसे बड़े हीरो हैं और सबसे असली हीरो हैं. और उनके सब फैन कल हमारे साथ इनकी जीत की जश्न मनाएंगे थिएटर्स में पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म देखकर. और इस इंसान इस वर्चस्व के पीछे क्या कहानी है वो कल देखेंगे थिएटर्स में. 40 देशों में रिलीज़ हो रही है हमारी फिल्म. बहुत खुश हूँ मैं. आज हमारे लिए जैसे आपने कहा डबल सेलिब्रेशन है. बस खुश हूँ. और मैं सोच रहा था कि मुझे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस से सर बड़े नेता जिन्होंने हमारी फिल्म को रोकने की कोशिश की, मैं चाह रहा था कि पूरी विनम्रता के साथ उन सबको मैं इनवाइट करूँ कि वो आए कल हमारी फिल्म देखें. अब तो हार गए हैं तो थोड़ी छुट्टी ही है उनके लिए. तो आए हमारी फिल्म देखें और शायद मोदी जी की ये कहानी देख कर उन्हें भी कोई प्रेरणा मिले, उनकी पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छा बदलाव आए, सकारात्मक सोच आए. तो यही मेरे एक निवेदन है उन सबसे कि आएँ और फिल्म देखें. ऑडियंस इंटरेक्ट किया किस तरह का? मुझे कह रहे हैं ऑडियंस को तो बहुत अच्छी लगी फिल्म. सब लोगों को अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्लैपिंग कर रहे हैं, काफ़ी इमोशंस भी, काफ़ी एक्साइटमेंट भी है फिल्म में. और ट्रिपल सेंचुरी के ऊपर आ गए की बात. बीजेपी का भी बहुत मुबारकबाद सबको, हमको भी मुबारक, देश को मुबारक, क्योंकि देश की तरक्की देश की जीत है. जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है, तो अब इस विवाद को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल फिल्म रिलीज़ हो रही है. और मैं चेहरा हूँ इस फिल्म का, बट इस चेहरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए. और मैं चाहता हूँ कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, एंजॉय करें इस फिल्म की रिलीज़ को जितना हमने एंजॉय किया इस फिल्म को बनाने के लिए. और ये देशभक्ति के ऊपर एक फिल्म है, एक देशभक्त के बारे में, और हर देशभक्त को पसंद आए ऐसी फिल्म है. तो मैं चाहता हूँ कि कल से थिएटर्स में जाकर, चाहे आप 7 साल के हों या 70 साल के, लोग एंजॉय करें इस फिल्म को और वो देशभक्ति की भावना जो है वो उमड़ आए. नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहा. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बहुत सकारात्मक तरीके से इस फिल्म की रिलीज़ को एंजॉय करने वाला हूँ, अपनी टीम को सेलिब्रेट करने वाला हूँ. हमारी टीम में
22, 23 साल के छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने डैड के साथ भी काम किया, और गर्मी में चाहे वो कच्छ की मिट्टी में, धूल में, 45 डिग्री की गर्मी में हो, या फिर हर्षिल गंगोत्री के 5 फुट बर्फ में -20 डिग्रीज की टेम्परेचर में भी बच्चों ने काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ में ये सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऑनेस्टली ये फिल्म टीम वर्क थी, और हैट्स ऑफ टू आर टीम जिन्होंने इतनी जान डाली इस फिल्म में। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे इंसान हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा हो। जी देखिए, ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जिसका जो मैसेज है ये यूनाइटिंग मैसेज है, देश को एकजुट बनाने वाला मैसेज है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जीवन रहा है, नरेंद्र भाई का जीवन हमेशा यही रहा है, लोग देखें अभी आज का रिजल्ट कि उन्होंने प्रांतों से लेकर रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, सब लोगों को यूनाइट किया है एक इंडिया श्रेष्ठ भारत के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुट हैं जो अभी भी भारत के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, भारत को विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम सब एक हों, हम यूनाइटेड हों। तो ऐसे लोगों को ये फिल्म या ये प्रचार जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, वो पसंद नहीं आ रही है बात, उसकी वजह से डेथ थ्रेट्स आए हैं। लेकिन मैं बहुत निश्चिंत हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र प्रशासन ने और पुलिस ने सिक्योरिटी दी है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और डैड और मॉम का आशीर्वाद भी है। मैंने अभी तो जवाब दिया। मैंने अभी अभी जवाब बताया। ओके, जय हिंद। यहाँ पर विवेक विवेक एक फोटो में यहाँ पर इसके साथ। हाँ, ये अच्छा नहीं लगेगा इसमें। चलो चलो।